अगर अभी के टाइम पे आप इन दो टॉप बिजनेस एआई आइडियाज में काम करते हो तो आप लाइफ टाइम में बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और इंडिया में ऐसे एआई कंटेंट का बिजनेस बहुत कम है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये लड़की जो आप देख रहे हो, ये इस दुनिया में असलियत में नहीं, इसका नाम नैना है, ये एक एआई इन्फ्लुएंसर है और ये महीने के आराम से 4 से 5 लाख रुपए कमा लेती है। तो अभी के टाइम में आपको ऐसे टॉप 2 एआई बिजनेस कंटेंट आइडियाज बताने वाला हूँ, जिसका कंपटीशन इंडिया में बहुत कम है। अगर अभी के टाइम आप इन एआई कंटेंट्स पर अपना अकाउंट बनाते हो या चैनल बनाते हो तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। सो मैं आपको एक ऐसा चैनल बताने वाला हूँ जो कि 3 से 4 लाख रुपए मंथली अर्न करता है, वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए। तो चलिए उनके चैनल पर सबसे पहले उनके फॉलोवर्स देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, इनके चैनल पर है 1.4 मिलियन फॉलोवर्स। अगर अपन बात करें इनके चैनल के व्यूज की, तो आप व्यूज देख सकते हो किसी पे 4,71,000, तो किसी वीडियो पे मिलियंस मिलियंस मिलियंस, मतलब कि ऑलमोस्ट हर वीडियो इनकी मिलियंस में है। तो अपनी वीडियो को ये कैसे क्रिएट करते हो और तुम कैसे क्रिएट कर सकते हो, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप इनकी वीडियो को देखो, जैसा कि आप लोगों ने देखा ये सिर्फ लग्जरी प्लेन वाले हाउस या कुछ लग्जरी हाउस बनाते हैं, वो भी एआई की मदद से, और बहुत अच्छा पैसा अर्न करते हैं। तो ये अपनी वीडियो को कैसे क्रिएट करते हैं, आइए तो मैं आपको बताता हूँ। और जरूरी नहीं है कि आप भी इसी कैटेगरी का चैनल खोलें, आप चाहें तो दूसरी कैटेगरी का भी चैनल खोल सकते हैं, लेकिन ऐसी एआई वीडियो बनाने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को ऐसी वीडियो बनाने के लिए इमेज जनरेट करना है। तो आपको क्या करना है, इस साइड पर आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको एक प्रॉम्प्ट लिख के दे रहा हूँ, आपको ये इस साइड पर आग डाल देना है और इमेज जनरेट कर लेना है। तो इस साइड का नाम क्या है जो इमेज जनरेट करके देता है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएगी। आप देख सकते हो कि इसने इतनी अच्छी इमेज जनरेट करके दे दी, सेम टू सेम जैसे कि अपन ने उस वीडियो में देखे थे, वैसे ही लग्जरी हाउस वाली प्लेन वाली लग्जरी इमेज इसने जनरेट करके दे दी साइड में, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अब अपन को क्या करना है, तो चलिए आगे की प्रोसेस समझते हैं। तो अब अपन को क्या करना है, अपन को इस साइड पर आ जाना है, इसका नाम है रन अवे, और आपको इस साइट की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको अपनी गैलरी से एक फोटो सेलेक्ट कर लेनी, जो भी आप वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपनी एक फोटो सेलेक्ट कर लो, जैसे कि मैंने कर लिया। और उसके बाद आप अपनी फोटो को जिस तरह मूव कराना चाहते हो, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मूव इन लेफ्ट साइड। तो आप ये देखो यहाँ पे जनरेट नहीं होगा, तो 2-3 बार आप क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो आपके सामने ऐसी जनरेट हो जाएगी, और आप इसे 10 सेकंड तक कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको एक सॉफ्ट सा म्यूजिक लगा के अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देनी है। तो अब अपन बात करेंगे दूसरे बिजनेस एआई कंटेंट आइडिया की, जिससे कि आप बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो, तो वो है एक यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप इस चैनल को देखो, इसका नाम है स्काय स्टोरी। ये अपने चैनल पर सिर्फ स्टोरी और इमेज लगाकर बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, और ये अपनी वीडियो को कैसे बनाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले आप इनकी थोड़ी सी वीडियो देख लो। एक बार की बात है, एक आदमी रोज एक रेगिस्तान से होते हुए अपने घर जाया करता था। उस इलाके में सिर्फ वही जगह रेगिस्तान जैसी थी। तो आपको ऐसी वीडियो बनाने के लिए क्या करना होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आप क्या करना होगा, सबसे पहले आ जाना है चैट जीपीटी पर, यहाँ तो मैं आपको एक प्रॉम्प्ट लिख के देता हूँ, आप ये चैट जीपीटी पे डाल सकते हो। तो चैट जीपीटी उसके बाद आपको एक स्टोरी बनाकर दे देगा पूरा, तो आप देख सकते हो चैट जीपीटी आपको स्टोरी बनाकर दे देगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक और प्रॉम्प्ट लाना है जो मैं आपको बताता हूँ, तो आप इसे कॉपी करके डाल देना। तो चैट जीपीटी आपकी वीडियो के लिए इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट लिख देगा। चैट जीपीटी ने आपको आपकी इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट दे दिया, तो आपको फिर ये प्रॉम्प्ट को वापस वहीं उसी साइट पर जाना है जो कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था। आप इमेज बिल्कुल फ्री में जनरेट कर सकते हो, और उसकी मैं एक और सेटिंग आपको बता दूं कि आप वहां से पे क्या कर सकते हो। आपकी अगर फोटो का साइज 16 रखना है, तो आप वहां पर अपनी फोटो का साइज 9:16:16 रख सकते हो। और उसके बाद यहां पर आपको वो प्रॉम्प्ट डाल देना है, एक एक करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। तो आपको पहले यहां पर अपना एक प्रॉम्प्ट डाल देना है, जो भी चैट जीपीटी ने आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया, वो आप पहले यहाँ पर एक थोड़ा डालेंगे। उसके बाद आपको ये साइड आपको एक इमेज जनरेट करके देगी, ये इमेज आपको अपनी गैलरी में डाउनलोड कर लेना है। ऐसे ही आपको सारी इमेज डाउनलोड कर लेना है, और फिर सबसे मेन चीज आती है वॉइस। चैट जीपीटी ने आपको स्टोरी तो लिख के दे दी, लेकिन आप उसके लिए वॉइस कहाँ से लाओगे, तो आपको वॉइस कहाँ से लानी है, तो आप अपनी वॉइस का यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है। तो यूट्यूब आपका चैनल जल्दी मोनेटाइज करता है, और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एआई की एआई से वॉइस को जनरेट कर रहे हो तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, कई बार ऐसा देखने को मिला है। अगर आप अपनी ओरिजिनल वॉइस डालोगे तो आपका चैनल बहुत ही जल्दी इजिली मोनेटाइज हो जाएगा। अपनी डालो, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी ही वॉइस डालो। तो अब मैं बताऊंगा कि आपको अपनी स्टोरी को एडिट कैसे करना है। तो आप जिस भी वीडियो एडिटिंग ऐप से अपनी वीडियो को एडिट करते हो, तो आप क्या करना है, आपको एक कोई सा भी कलर का बैकग्राउंड ले लेना है, जैसे कि मैंने ले लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, आपने जो भी फोटो डाउनलोड किए होंगे तो आपको यहाँ पर उसे ले लेना है। ये फोटो आपको ले लेना है जो कि आपने डाउनलोड किए थे एआई साइट से, और यहाँ पे इसको खोल के फुल साइज में कर देना, जैसे कि मैंने कर दिया।
आती है वॉइस की, तो वॉइस भी आपको अपने डालनी है, तो आपको क्या करना है, तो चैट जीपीटी ने आपको जो भी एक कहानी लिख के दी है आपको वो नोट पर कॉपी कर लेनी है। तो मैंने कॉपी कर ली है, उसको पढ़ पढ़कर मैं यहाँ पर बोलता जाऊँगा माइक में, तो मैं वॉइस डालना स्टार्ट करता हूँ। यह कहानी राजनामा के एक लड़के की है जो कि अपनी भाग दौड़ से हार चुका था और असफलताओं से भी हार चुका था। अपन ने ये वॉइस डाल ली है और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि जो बोल रहे हैं वो भाग दौड़ से हार चुका था, तो आपको यहाँ पे लगता है कि वो भाग दौड़ से हार चुका था, तो यहाँ पे आपको दूसरा मोमेंटम रखना है, तो आप यहाँ से दूसरी पिक भी लगा सकते हो। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, जैसे ही आपको लगे कि यहाँ से कहानी कुछ और है, आपको दूसरी पिक लगानी चाहिए, तो आप सेम उसी तरह एक और पिक लेके इसे बड़ा करके लगा सकते हो, और ऐसे ही आपको पूरी कहानी बनानी है। और चाहो तो आप इसमें इफेक्ट्स और एनिमेशन ऐड कर सकते हो अपनी इमेज में, और आप चाहें तो कहीं कहीं टेक्स्ट भी लगा सकते हो अपनी वीडियो के ऊपर। तो आपको कुछ इसी तरह अपनी वीडियो को बनाना है, AI वीडियो को। एंड जो जो मैंने आपको वीडियो में बताया, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय बाय टाटा।